देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड दौरे के बाद से ही उनको हटाए जाने की चर्चा थी, लेकिन शुरुआत में BCCI इससे इनकार करता रहा। कोहली ने गुरुवार को खुद ही एक चिट्ठी लिखकर ये ऐलान कर दिया है कि वे T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ देंगे। अब इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में कहा कि आपकी सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। किसानों को खेती के लिए बिजली पूरी तरह से फ्री दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ये फैसला लिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व IAS और एक्टिविस्ट हर्ष मंदर के दिल्ली स्थित घर और दफ्तर पर छापा मारा है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से दर्ज की कई FIR के आधार पर ईडी ने गुरुवार को ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई चिल्ड्रन होम्स में पैसों की गड़बड़ी के मामले में की गई है। हर्ष मंदर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कलेक्टर भी रह चुके हैं। चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। नैनीताल हाई कोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ रोक हटाई है। सरकार ने कोर्ट से रोक हटाने की मांग की थी। कोरोना के चलते 28 जून को इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले ही कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। सोनू सूद के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है या महज सर्वे हुआ है, इस पर अलग अलग जानकारियाँ सामने आ रही हैं। सोनू सूद और उनके परिवार के लोगों का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इस बीच सोनू सूद के एक करीबी ने दैनिक भास्कर से कहा और दावा किया है कि मुंबई में सोनू सूद के यमुना नगर वाले फ्लैट पर बाकायदा छापा पड़ा है और वो सर्वे तो कतई नहीं था। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया, मैं अपने काम में बहुत बिजी थी, मुझे नहीं पता राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं। निखिल जैन नहीं, एक्टर यश दास गुप्ता ही हैं नुसरत जहां के बेटे के पिता, बर्थ सर्टिफिकेट से हुआ खुलासा। पहली बार ट्रेन से मिसाइल परीक्षण किया, संयुक्त राष्ट्र ने बताया शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक होगी। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने पर विचार हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक पर्व का समापन होगा, पीएम मोदी ने 7 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम बताते हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ दिन भर हल्के बादल छाए रहेंगे। भोपाल में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश भी हो सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की भी संभावना है। रांची में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। पटना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा, यहाँ भी बादल छाए रहेंगे, हल्की फुहार पड़ने की संभावना है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। शिमला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहेगा, यहाँ आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहाँ बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया बनने का सफर तय किया है। 1950 में आज ही के दिन गुजरात के वडनगर में मोदी का जन्म हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इस काम में नरेंद्र मोदी अपने पिता की मदद किया करते थे। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने 2021 के लिए दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रखा है। ये लगातार दूसरा साल है जब प्रधानमंत्री मोदी को टाइम ने अपनी लिस्ट में जगह दी है। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने कहा है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मान लेना। कामयाब होने का सबसे ठोस तरीका है हमेशा एक और बार कोशिश करना।